हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑपरेटर इन जावा के बारे में। तो जानेंगे इस वीडियो में कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो में कवर करा था ऑपरेटर्स के बारे में, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाकर वीडियो वहाँ देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में कि जावा में जो शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, कैसे उनके बिट शिफ्ट होते हैं, ठीक है, और कैसे उसके आउटपुट डिफरेंट होते हैं और शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्यों करते हैं वो भी हम जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा कुछ हम कवर करेंगे, साथ ही साथ हम एग्जाम्पल के साथ करते चलेंगे और देखते चलेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन से कि शिफ्ट ऑपरेटर का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए समझने के तौर पे वो क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या है कि एक ऐसा ऑपरेटर है जो यूज किया जाता है शिफ्ट दी बिट्स। ठीक है, बस इतना समझिए कि इसका काम तो ये है कि बिट को शिफ्ट करना। बस शिफ्ट का मतलब ही होता है जो नॉर्मल और जो लॉजिकल डेफिनेशन होता है शिफ्ट का, मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर किसी चीज को रख देना या चले जाना या मूव कर जाना। ठीक है, तो यही टर्म है शिफ्ट का मतलब। और ये शिफ्ट करता किसको है, कह रहा है बिट्स को। तो बिट्स क्या होता है कंप्यूटर की दुनिया में, बिट्स क्या होते हैं, जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं या कोई भी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो वो जो बाइनरी होता है नंबर वो बना होता है बिट से, यानी कि 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, ये जितने भी डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट इन द सेंस मतलब अलग अलग वन, ये वन सेपरेट है, ये वन सेपरेट है और ये वन सेपरेट है, ये जीरो सेपरेट है और ये भी जीरो सेपरेट है, ऐसे सारे नंबर सेपरेट हैं, इसी हर एक सेपरेट नंबर को कहते हैं बिट। ठीक है, यानी कि जो वन है ये एक एक बिट है, ये जो जीरो है ये एक एक बिट है, ये वन है ये एक अलग बिट है और ये जो जीरो है ये अलग बिट है। डैट मीन्स कुल मिला के यहाँ पर जो कितने बिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो कुल मिला के यहाँ पर 8 बिट्स है। ठीक है, तो इन्हीं को बिट कहते हैं, इन्हीं को बिट्स कहते हैं मिला के, और इन्हीं बिट्स का शिफ्टमेंट होना है शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, तो जानेंगे शिफ्ट जो ऑपरेटर होता है वो कैसे शिफ्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो पहले हम थोड़ा सा जाने कि जो शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं जावा में, ठीक है, वो कितने टाइप के जावा के अंदर लिए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जावा के अंदर तीन तरह के शिफ्ट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। लाइक पहला जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दूसरा है साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर और तीसरा है अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल होता है वो ये है जो बना है दो एंगुलर ब्रैकेट से मिलके। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हमें दो चार चीजें इसमें डिस्कस करनी है, प्रोग्रामिंग करके भी देखने हैं, साथ ही जानने हैं कि इसको यूज हम क्यों करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है उसका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक टेक्निकल टर्म जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो जावा में जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है जिसका सिंबल है ये लेफ्ट की तरफ इसके एरो हैं, एंगुलर ब्रैकेट हैं, इज यूज टू शिफ्ट ऑल द बिट इन ए वैल्यू टू द लेफ्ट साइड। दैट मीन्स ये जो ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट, वो आपकी बाइनरी को लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, याद रहे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का जो काम होता है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ
बॉक्स बनाए हैं। एक्चुअली में ये बॉक्स क्या है, बिट का स्टोरेज एरिया है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है विद द नेम ऑफ लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर के अंदर जहां बिट हमारा स्टोर होता है उसको लॉजिक गेट्स कहते हैं। उसी लॉजिक गेट्स के अंदर हमारे बिट्स स्टोर होते हैं, यानी कि 1010 ये लॉजिक गेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। हर एक बिट के लिए सेपरेट लॉजिक गेट्स होता है। तो सपोज करिए कि हमारे सामने स्क्रीन पे जो बिट है वो एक लॉजिक गेट है, ठीक है। और इसी लॉजिक गेट में हमें क्या करने हैं बिट को स्टोर करने हैं, ठीक है। तो अगर हम बिट को स्टोर करेंगे तो कुछ इस तरह का बिट हमारा दिखेगा, ठीक है। सपोज हमें स्टोर करने हैं 10 की बाइनरी को, जिसका बाइनरी होता है 1 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारा 10 का क्या है, बाइनरी है, और ये स्टोर हुआ है एक कंप्यूटर के बिट के अंदर। तो मुझे इस बिट की शिफ्टमेंट करनी है। तो याद रहे अभी का जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर्स है 8 बिट 16 बिट 32 बिट एंड 64 बिट, तो हमें इस बाइनरी को रिप्रेजेंट करना है 8 बिट के फॉर्म में ताकि वो अभी के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिले, ठीक है। तो हमें 4 और एक्स्ट्रा बिट लेने होंगे इसको 8 बिट बनाने के लिए, ठीक है, याद रहे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बिट है 0 0 0 0, ठीक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बिट लिया है, आप कंफ्यूज ना होना, ये मैंने जो एक्स्ट्रा बिट लिया है ये इसको 8 बिट बनाने के लिए, कंप्लीट 8 बिट बनाने के लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली बिट लेता है ताकि ये 8 बिट कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो डिफरेंट बिट हैं, जो हमारे वैल्यू हैं, ये है बाइनरी ऑफ 10, 1010, ये 10 के क्या है, बाइनरी है। अब मुझे इन नंबरों को यानी इन बिट्स को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो शिफ्ट का हमारा जो सिंबल होता है, जैसे कि हम जानते हैं, दो एंगुलर ब्रैकेट है, और ये शिफ्ट करेंगे किधर, अभी मैंने बताया था लेफ्ट की तरफ, ये एरो आप देख सकते हो, यानी कि इधर की तरफ, ये सारे के सारे बिट्स इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारे के सारे बिट इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने शिफ्ट करने के लिए ले लिया है 1, यानी कि मैं 1 बिट शिफ्ट करना चाहता हूं, दैट मीन्स ये हमारा 10 है और 10 की बाइनरी है और मुझे शिफ्ट करना है 1 बिट, तो मैंने इसके साथ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया और 1 बिट यूज किया, तो ये हो गया 1 बिट शिफ्ट। तो ये वर्क कैसे करेगा उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा ये बिट यहां से शिफ्ट होगा तो सबसे पहले ये लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, दैट मींस लेफ्ट, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट पे बिट है ये हमारा 0 है, आप देख सकते हैं, ये है हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट पे जो बिट है वो 0 है। तो अगर ये बिट यहां से शिफ्ट कर रहा है, दैट मींस अगर मूव कर रहा है, क्योंकि हमें 1 बिट शिफ्ट करनी है, तो ये सारे के सारे 1 बिट शिफ्ट होंगे, मतलब यहां से ये कंप्लीट जो बिट है ये सब अपनी अपनी जगह से एक स्टेप यानी एक कदम आगे चलेंगे, ठीक है, एक कदम आगे चलेंगे। दैट मींस ये जो 0 होगा यहां से हटेगा, तो जैसे ये 0 यहां से मूव होगा तो ये सीधे अपना स्टोरेज एरिया लॉस्ट कर जाएगा, यहां से हट जाएगा। तो जब हटेगा तो अब तो ये एरिया खाली हो गया, तो इसके बाजू वाले बगल वाले जो बिट हैं वो यहां से इधर को शिफ्ट करेंगे। तो जो शिफ्ट करेंगे तो कहां आएंगे, मैं आपको वहां आउटपुट दिखा रहा हूं, यहां देखिए ये पहले नंबर पे आ गए,
अब ये जीरो जो पहला है यहां आ गया, तो अब ये स्पेस खाली हो गया, फिर ये जीरो यहां आएगा। दैट मीन्स ये जब जीरो इधर मूव करेगा तो ये तीसरा नंबर पे जो जीरो है वो आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब जो ये चौथा है वो तीसरा की तरफ मूव करेगा एक स्टेप, तो अब ये चौथा जीरो आएगा तीसरे पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये वन है, ये अब मूव करेगा इसके एरिया में, यानी कि ये पांचवा जो वन है वो आ जाएगा चौथे नंबर पे। फिर ये जो वन है ये मूव करेगा, सॉरी जीरो है, यहां वन मूव करेगा उसके अगले वाले लॉजिक गेट यानी स्टोरेज एरिया पे, तो ये जो जीरो होगा ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद जब ये वन मूव करेगा जीरो की जगह तो ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब जब ये जीरो मूव करेगा इधर की तरफ तो ये जीरो आ जाएगा यहां पे, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम फिल कर देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएंगे ये क्या है। ये मैंने जीरो डाल दिया, फिर मैंने इसके अंदर भी जीरो डाल दिया, फिर मैंने इसके अंदर भी जीरो डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये शिफ्ट हुए हैं। फिर यहां आ जाएगा वन, फिर यहां आ जाएगा जीरो, फिर यहां आ जाएगा वन, फिर यहां आ जाएगा जीरो। आप देख सकते हैं एक बिट हमारा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो लास्ट में जो बचा है खाली जगह, क्योंकि इसको कंप्लीट एट बिट में होना ही होना है, या तो ये फोर बिट होंगे, या तो एट बिट होंगे, या तो ट्वेल्व बिट में होंगे, या तो फिर 16 बिट में होंगे, चार चार के बिट पे काम करेंगे। ये हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, इसीलिए कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर 32 बिट का है, 64 बिट का है, 16 बिट का है या 8 बिट का है, ठीक है, क्योंकि उनके बाइनरी अलग से जुड़े जाते हैं ताकि सबको इवेल्युएट अच्छा से किया जाए। तो यहां से जो अलग में जो हमारा बिट ऐड होगा इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंट। तो ऑक्यूपेंट जो होंगे वो होंगे जीरो। याद रहे कभी भी शिफ्टिंग के दौर पे कोई भी खाली जगह बिट से अगर भरता है तो वो एक्स्ट्रा अलग से ऐड होता है, ये आता है हमारा जीरो, ठीक है। अब जो हमारा नंबर हुआ है पूरा ये है जीरो 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 वन जीरो वन जीरो वन, ये हमारा है बाइनरी ऑफ किसका, 10 का आफ्टर शिफ्ट। शिफ्ट होने के बाद जो 10 की बाइनरी जो होगी वो कुछ इस तरह होगी, 0000101, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं, पहला जो हमारा 10 का जो बाइनरी था वो तो 1010 था, साथ में चार जीरो और एक्स्ट्रा ऐड करने हैं क्योंकि इसको कंप्लीट 8 बिट बनाना है। तो जब ये शिफ्ट होगा तो 0001000 ये हमारा हो गया, ठीक है, कंप्लीट 4 बिट। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, याद रहे कि ये हमारा जो कन्वर्ट कन्वर्जन फॉर्मूला है वो पावर के बेस पे होता है। तो हमारा जो ये है पहला जीरो वो जीरो पावर पे है, ठीक है, दूसरा हमारा वन पावर पे है, और तीसरा हमारा दो पावर पे, यानी कि ये पावर जीरो है, ये पावर वन है, और ये पावर टू है, ठीक है, और ये पावर हमारा 3 है, और ये पावर हमारा 4 है। दैट मीन्स 2 पे जो हमारा पावर है, कैरेट कहां गया, यस पावर है 4 है, तो कितना होगा 16, ऑल राइट। उसके बाद हमारा क्या है 0 1 2, ये इस पे पावर है 2, दैट मीन्स अगर 2 पे पावर हम 2 करते हैं तो हमारा कितना होगा 4, तो 16 प्लस 4 यानी 16 और 4 कितना हो गया 20, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं जो बिट हमारा शिफ्ट हुआ उसके बाद जो हमारा आउटपुट मिला वो कितना आया, ये हमारा 10 है, मैंने इसमें 10 डाल दिया है। आप प्रोग्राम समझ सकते हो, मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है D4,
फिर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल में 10 असाइन करा है, फिर मैंने एक मेथड बॉडी बनाया है जावा के अंदर, और उस मेथड के बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, एक्स की वैल्यू में 10 है और मुझे शिफ्ट करना है 1, ठीक है। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस मेथड को कॉल किया है, फिर हमने प्रोग्राम जब चलाया तो हमें कुछ आउटपुट मिला ऐसे 20, ठीक है। तो आप समझ गए हमारा 20, यहाँ पर 20 हमारा कैसे आया, ठीक है। तो ये है हमारा शिफ्ट। अगर हम दो शिफ्ट करते हैं, सपोज देख लेते हैं 10 को अगर हम दो शिफ्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं मुझे इन सारे शिफ्ट को इरेज करने होंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, मतलब आप नए हो, तो आपको समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर इसी पर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ, ठीक है, ये इरेज हो गया। अब क्या होगा, मुझे शिफ्ट करने हैं कितने, 2 बिट शिफ्ट करने हैं, 2 बिट, ठीक है। मान लीजिए इस बार 2 बिट शिफ्ट करने हैं, तो हमारा जो 10 का बाइनरी है वो तो ये है 1010, और जो एक्स्ट्रा हमारा बाइनरी ऐड हुआ है वो कंप्लीट 8 बिट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 4 बिट मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है। करना क्या है मुझे, 2 बिट शिफ्ट करने, डेट मीन्स ये दोनों बिट शिफ्ट होंगे, ठीक है। जब ये दोनों बिट शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो ये दोनों बिट यहां से लॉस्ट होंगे। अब मैं दूसरा वो लेता हूं, ये यहां से 2 बिट ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे, यानी शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये यहां से लॉस्ट होगा, इधर जाएगा, फिर ये यहां से लॉस्ट होगा, इधर जाएगा। मतलब अब ये 0 जो है ये आएगा पहले बीट पर, ऑल राइट। अब ये दूसरा जो 0 है वो आएगा दूसरे बीट पे, मतलब ये चौथा 0 है, ये 1 2 3 4। अब जो तीसरा 1 है वो आएगा, सॉरी पांचवा जो 1 है पांचवे नंबर पे, वो आएगा तीसरे बीट पे, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 है जो 6 नंबर पर है वो आएगा चौथे नंबर पे, फिर ये जो 1 है वो आ जाएगा आपका पांचवें नंबर पे, फिर जो लास्ट 0 है जो कंप्लीट बिट है वो आएगा आपका छठे नंबर पे, 6 नंबर पे। फिर भी हमारे पास 2 अभी खाली बच गए जगह, ठीक है। आइए इसको फिल कर देते हैं पहले, आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ, मैं फिर से डायग्राम बना सकता हूँ अगर ये लकीर हटा के, ठीक है। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। मुझे हटाने दो ये सारे के सारे रेड लाइन, याद रहे मुझे ये 2 शिफ्ट करने हैं, ठीक है। मुझे 2 शिफ्ट यहाँ से रिमूव करने हैं, मतलब 2 शिफ्ट करने हैं बिट, ठीक है। अब हमारा जो बिट का शिफ्टमेंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी लॉस्ट हो गए, तो ये आएंगे पहले नंबर पे, ये आएगा मेरा दूसरे नंबर पे, ये 1 आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे, ऑल राइट। ये फिर 0 आएगा हमारा चौथे नंबर पे, ये 1 आएगा हमारा पांचवे नंबर पे, फिर ये 0 आएगा हमारा 6 नंबर यानी छठे नंबर पे। अब मैं इसको बॉक्स को फिल करूंगा तो ये कैसा दिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ। हमें करना है यहाँ रेड में लेता हूँ 0, ठीक है। 0 लिया मैंने, फिर दूसरा फिर 0 लिया, फिर तीसरा में मैंने लिया 1, फिर चौथा में मैंने लिया 0, फिर पांचवा में मैंने लिया 1, फिर छठे में मैंने लिया 0। बाकी मैंने बताया था 2 यहाँ बचे हुए हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट हुए हैं आगे, तो पीछे 2 खाली होंगे, तो यहाँ भरेंगे क्या, ऑक्यूपेंसी क्या होगी यहाँ पे, 0। जो ऑक्यूपेंट होंगे वो 0 बिट होंगे, 1 नहीं होंगे, याद रहे मैंने बताया था कि जो खाली जगह होंगे 0 होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं 2 शिफ्ट हटाऊं करूं तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा बाइनरी 0010, ठीक है, 0010,
1000. अब ये हो गया 10 का बाइनरी. शिट, 10 का हमारा क्या हो गया? अब ये जो हमारा हुआ है, मैंने 2 बिट शिफ्ट करा है, तो जो जो बाइनरी हमें मिला है 10 का आफ्टर शिफ्ट, 2 शिफ्ट के बाद, वो अब ये है. अब अगर हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए. सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहां से. ये 0 प्लस पर है, 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, 4 पर ये है, 5 पर ये है, 6 पर ये है, और 7 पे ये 0 है. तो 0 0 1 2 3, यानी जो तीसरे नंबर पर है वो हमारा 2 पे पावर 3 होगा, तो कितना होगा? 8. ठीक है. उसके बाद जो हमारा है, 3 के बाद 4 है और 5 है, तो 5 पे 2 पे पावर क्या होगा हमारा? 5 होगा. इसका टू कितना होगा? 32, राइट. अब अगर हम इसको ऐड करेंगे 32 और 8, तो हमें क्या मिलेगा? 40. ठीक है. तो अगर हम 2 बिट यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 40. देखते हैं आ रहा है कि नहीं. मैंने क्या किया यहां पे, वैल्यू उसका चेंज कर दिया है 10 से. सॉरी, इसको 10 रखना है, बस बिट बढ़ाना है. ये 1 बिट है, हम इसको बढ़ाएंगे 2 बिट से. ठीक है. अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कितना हो रहा है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं आपको आंसर कितना मिला, 40, राइट. तो ये वर्क कैसे करता है, जो लेफ्ट शिफ्ट हमारा है, ये वर्क कैसे करता है उसको देख लेंगे. ठीक है. मैंने आपको बताया, और वैसे इसको डिफाइन किया गया है एक फॉर्मूला से. जो आपका एक्स है वो नंबर है, इनटू 2 पे पावर जितना आपको बिट बढ़ाना है उसकी पावर आपको दी जाएगी. दैट मींस अगर 1 बढ़ाना है बिट तो 1 देंगे. ठीक है. अगर आपको 2 बढ़ाना है तो x इंटू 2 पे पावर 2 बिट बढ़ाने हैं तो 2. कैसे होगा? आप x की जगह ना मान लीजिए आप 10 ले रहे हैं और आपको बढ़ाने क्या है, 2 बिट. 2 बिट शिफ्ट करने हैं ना, तो 2 पे पावर 2 करेंगे. ठीक है. तो कितना आएगा, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, और 4 10 जा 40. ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, पर बिट के फॉर्म में काम कैसे करता है मैंने आपको वो भी बता दिया, और रियल एनवायरनमेंट में काम कैसे करता है बाय ह्यूमन फॉर्मुलेटिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल फॉर्म में, वो ऐसे काम करता है. तो आप ऐसे आराम से भी निकाल सकते हो कैसे शिफ्ट हो बिट कर बिट को हम शिफ्ट करेंगे. और मैंने आपको कंप्यूटर के फॉर्म में भी समझा दिया कि कैसे मेमोरी के अंदर हमारा बिट जो है शिफ्ट होता है. तो ये जो मैंने बताया है वो लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बताया है. ठीक है. लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है. अगर आपको यही 3 बिट शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर बिट को शिफ्ट करेंगे अगर 3, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 3 बिट रिमूव करेंगे. यहां से 3 बिट विल बी रिमूव्ड. यहां से 3 बिट जब रिमूव होंगे तो ये जो पहला, ये जो बचा है, ये आएगा पहले नंबर पर, ये 1 आ जाएगा यहां पर, फिर ये 0 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि 3 बिट हमारा रिमूव हुआ है. फिर ये 1 आ जाएगा यहां पर, फिर ये 0 आ जाएगा यहां पर. अब जो 3 पीछे बचे हुए हैं यहां पर खाली जगह पे, वो 3 बिट ऑक्यूपाई होंगे. तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, वेरी गुड, 1, ठीक है. फिर क्या होगा हमारा, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा 0, ठीक है. फिर हमारा होगा क्या, होगा हमारा 1, उसके बाद फिर क्या होगा, 0. अब जो खाली स्थान बचे हैं, जगह बचे हैं, वहां पर हम भरेंगे 0, क्योंकि आपको पता है ऑक्यूपेंसी जो होते हैं वो 0 से होते हैं. ठीक है. जो भी खाली होता है वो ऑक्यूपेंसी 0 से होता है. अब हमारा एक कंप्लीट 8 बिट हो गया है, मैंने 3 बिट शिफ्ट कर दिया है. अगर 3 बिट शिफ्ट करेंगे तो उसका आउटपुट जो निकलेगा आप
खुद से करो मैं चाहता हूं, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये हमारा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इजी टर्म में मैंने समझाया कि कैसे कंप्यूटर में इसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि वर्क कैसे करता है। हाँ, अगर आपके पास सवाल मन में सवाल है कि नेगेटिव अगर नंबर है, सपोज दैट -10, ये अगर शिफ्ट होगा तो इसका आउटपुट कितना होगा, तो माइनस यानी कि माइनस के बारे में, जो नेगेटिव नंबर का शिफ्टिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करना, हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि हम इन सब चीजों का यूज क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, क्या फायदा मिलता है बिट को शिफ्ट करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कम लोग इसको रिप्लाई अच्छे से देते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर की दुनिया है, यहां पर हर कुछ पॉसिबल है जो मैंने मशीन के अंदर बनाया है, ठीक है। और इंसान चाहता है कि हर काम को अपने लिए आसान कर ले, ठीक है। तो सबसे पहला जो शिफ्ट यानी बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेशन को, मतलब बिट शिफ्टिंग का जो काम ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर, उसका जो यूज होता है, सबसे पहला जो उसका वर्क है इंक्रिप्शन। इसका इंक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। दूसरा जो है यूज कंप्रेशन, फाइल को कंप्रेस करना, ये बहुत सारे बाइनरी बिट्स को क्या करता है, कॉन्साइज करता है, मतलब छोटा बनाता है, लॉजिक टर्म में इसको छोटा बना के कम स्पेस में स्टोर करता है, और जब फिर यूज करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। ग्राफिक्स को और इनहेंस करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और भी कहां यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो पेरिफेरल डिवाइस से, मतलब नेटवर्क पे, तो वहां जो भी पोर्ट्स होते हैं और सॉकेट्स होते हैं, उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लॉजिक के फॉर्म में होता है, कम बिट्स के फॉर्म में होता है। तो ये वहां पर ये शिफ्ट करके उसको और छोटा बनाया जाता है कोड को, ठीक है। तो इन सब चीजों में शिफ्ट ऑपरेटर का यूज हम करते हैं, जो कि हाई लेवल सिनेरियो है। अभी तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग, पहले आप ये करना सीख लो अच्छे से कि कैसे बिट्स को हम कन्वर्ट करें, नेगेटिव को बाइनरी, बाइनरी नेगेटिव टू डेसिमल, डेसिमल टू नेगेटिव, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में आप अच्छे से पढ़ो, समझो। जो मैंने बताया है वो बहुत ही इजी टर्म में बताया है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो तो बताना ज़रूर, ठीक है। जो मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग बनाया था, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में एक बार फिर समझा रहा हूँ कि मैंने एक क्लास क्रिएट किया है जावा के अंदर जिसका नाम है D4, एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया जिसका नाम है X, और उस वैल्यू के अंदर मैंने साइन किया है X। ये हमारा मेन जो एक मेथड है उसका नाम है डिस्प्ले मेथड है। उस मेथड बॉडी के अंदर, ये मेथड का बॉडी है, उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है जिसके अंदर एक्स को, यानी कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको शिफ्ट करना है, कितना, 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मेन मेथड यहां क्रिएट किया है, फिर मैंने बनाया है क्लास का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की मदद से उस मेथड को मैंने कॉल किया है। तो जब भी हमारा एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको 2 शिफ्ट होना है, तो 10 है, अगर 10 में 2 शिफ्ट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 40, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग था, और मैंने इसको लॉजिक के फॉर्म में इस डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऐसे ही वर्क करता है। आगे के वीडियो में राइट शिफ्ट के बारे में और अनसाइंड राइट शिफ्ट के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले मुझे इसके रिगार्डिंग अभी निगेटिव के बारे में भी बताना है। तो कल मैं निगेटिव के बारे में भी आपको बताऊंगा कि अगर कोई नंबर है वो है -20, ये एक नेगेटिव नंबर है, या -15, तो इसका शिफ्टमेंट कैसे होगा और कैसे इसके वैल्यू को हम मैच कराएंगे कि -16 का आउटपुट एक्यूरेट आना चाहिए, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके वीडियो में, अगले वीडियो में हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर वाकई में कोई कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बेफिक्र आप कमेंट पे जरूर करना कि हमें शिफ्ट ऑपरेटर में आपको ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद,
वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जावा के रिगार्डिंग और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे एज अ सीरियल। ठीक है, हैव अ नाइस डे।